हाय एवरीवन, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS के फर्स्ट राउंड के रिज़ल्ट आ चुके हैं और इसमें जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हुई होगी वो अपनी फर्दर एक्टिविटीज़ कर चुके होंगे। मैं आपको बता दूं कि पेमेंट की लास्ट डेट को एक्सटेंड करा गया था 23 अगस्त तक, तो 23 अगस्त तक आप लोग पेमेंट कर सकते हो। देन उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपग्रेड करना है या फ्रीज़ करना है। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमारे डैशबोर्ड के अंदर अपग्रेड या फ्रीज़ का ऑप्शन फ़िलहाल आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग उसको चेक करते रहिए, सेकंड राउंड शुरू होने से पहले पहले वो ऑप्शन आपको वहाँ पर विजिबल हो जाएगा। प्लीज़ कीप एन आई ऑन दैट पोर्टल। अब बात करते हैं सेकंड राउंड की, सेकंड राउंड में कौन कौन लोग एलिजिबल रहेंगे। और सेकंड राउंड से रिलेटेड एक और अपडेट आई है, मतलब वो अपडेट सेकेंड राउंड से नहीं, उसके बाद से रिलेटेड है, वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो सेकेंड राउंड के लिए कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल होगा। सबसे पहले वो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली है। आप लोग ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो गए हो। अभी आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। सेकंड राउंड का रिज़ल्ट 25 अगस्त को आना है, 25 अगस्त तक का आपको इंतज़ार करना है। दूसरे वो लोग एलिजिबल होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है, सारी एक्टिविटीज़ वो लोग कर लेंगे और अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ कर लेंगे जो कि बहुत जल्द आपके पोर्टल में विजिबल हो जाएगा। तो अपग्रेड करते ही आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जो अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में आएगा तो सेकेंड राउंड में उनको या तो नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस में से कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा या फिर जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है वो रिटेन रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक ही चीज़ होगी अपग्रेड वाले छात्रों के लिए। ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है और वो फ्रीज़ कर लेंगे अपनी सीट को कुछ टाइम में, उनके लिए सेकेंड राउंड नहीं है। या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुई थी और फर्स्ट राउंड में कोई भी एक्टिविटी उन लोगों ने नहीं करी या पार्शली एक्टिविटीज़ करी पार्शली नहीं करी, जैसे अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद पेमेंट नहीं करी लास्ट डेट से पहले पहले, या कॉलेज ने डॉक्यूमेंट्स के लिए आपसे बोला हो कुछ वो आप नहीं दे पाए, तो वो बच्चे सेकेंड राउंड में नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसा ज़रूर हो सकता है, एक थोड़ी सी माइनर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने मांगे हों वो आप नहीं दे पाए हों, फिर वो सीट ही रिजेक्ट कर दी आपकी। तो हो सकता है नेक्स्ट राउंड में आपको, हो सकता है वो दोबारा से सीट अलॉट कर दें, दोबारा से डॉक्यूमेंट मांगे आपसे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नया नोटिस आया था, उस नोटिस के अकॉर्डिंग काफ़ी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ने कैटेगरी 2 में सीट अलॉट कर दी। कैटेगरी 2 उन बच्चों की होती है जिनका ग्रेजुएशन DU से ही होता है और सेम सब्जेक्ट में यानी कि ऑनर्स कोर्स के अंदर ग्रेजुएशन होता है। तो काफ़ी स्टूडेंट को गलती से यूनिवर्सिटी ने कैटेगरी 2 के अंदर सीट अलॉट कर दी, उसके बाद उन लोगों ने अप्लाई करा स्टूडेंट्स ने तो उनकी सीट रिजेक्ट हो गई। तो इस पर्पज़ से अगर सीट रिजेक्ट हुई है, इस रीज़न से रिजेक्ट हुई है, तो आपको नेक्स्ट राउंड में कंसिडर करा जाएगा। अगेन कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करो। अब नेक्स्ट राउंड आप लोगों का 25 अगस्त को आना है, 25 अगस्त को अराउंड 5 बजे वही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पोर्टल के अंदर ही। रिज़ल्ट आने के बाद देन आपको 28 अगस्त तक, आई थिंक 28 अगस्त तक का टाइम है उस सीट को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद कॉलेज वाले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, अपना पोर्टल चेक करते रहेगा उस दौरान, और पेमेंट फिर आपको सेकेंड राउंड के लिए 30 अगस्त तक शाम 5 बजे तक कर देनी है। इसके अलावा एक बात मैं और कर रहा था उन बच्चों से, मिडवे वाली, मिड एंट्री का मतलब ये होता है जिन्होंने CUET तो एग्ज़ाम दिया है लेकिन DU CSAS पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, तो उनके लिए मिड एंट्री का रूल आएगा 31 अगस्त से। ठीक है, मिड एंट्री के अंदर वो स्टूडेंट रजिस्टर कर पाएंगे जिन्होंने CSAS पोर्टल में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा था लेकिन CUET दिया होना चाहिए आपने, तो आपको मिड एंट्री के थ्रू थर्ड राउंड में कंसिडर करा जाएगा। और मिड एंट्री में वो लोग जो अपनी परसेंटेज ठीक से कन्वर्ट नहीं कर पाते उनको भी एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपनी CGPA इनटू परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया है वो ठीक से रखें, उसके बाद फिर आपको भी एज अ मिडवे स्टूडेंट कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आपके डाउट्स आ रहे थे DU PG सेकेंड राउंड से रिलेटेड और फर्स्ट राउंड में जो भी रिजेक्शन हुआ है आपका, हो सकता है माइनर पॉसिबिलिटी बन जाए कि दोबारा एक आपको एडिशनल अपॉर्चुनिटी दे दें कि हो सकता है अब इस बच्चे के पास डॉक्यूमेंट हो तो एक बार उसको हम सीट देकर देख लेते हैं, अदरवाइज़ फिर आपका स्पॉट राउंड का ही ऑप्शन है। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में कोई भी एक्टिविटी नहीं करी, सीट अलॉट हुई थी, कोई भी एक्टिविटी नहीं करी या पार्शली एक्टिविटीज़ करी हैं, उन्हें सिर्फ स्पॉट राउंड का ऑप्शन बचता है। फिलहाल सेकेंड राउंड के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, ये सब कुछ डाउट्स थे DU PG एडमिशन से रिगार्डिंग।
आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।